أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایمان سے اتباع تک، اس عنوان سے اس خمسہ مجالس میں جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، جو یا ظاہری شہادت تھی یا باطنی شہادت تھی، بہرحال شہادت تھی، اور دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے ہو رہی ہیں، ان پانچ مجالس میں عنوان گفتگو رکھا گیا ہے ایمان سے اتباع تک، اور یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ شاید کی تلاوت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی ہے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو یہی حکم دیا ہے پیغمبر کے ذریعے کہ پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ اور پیغمبر کا اتباع بھی کرو. میں سب سے پہلے ان حضرات کے لیے جو کل یہاں تشریف فرما نہیں تھے، یہ تو نہیں کہوں گا کہ کل پھر تشریف فرما نہیں ہوں گے، دعا کروں گا کہ آ گئے ہیں تو آتے رہیں، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے دو حصے مانے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، تو پھر دنیا کی زندگی کی آبادی بھی آپ ہی کو کرنا ہے اور آخرت کی زندگی کی آبادی کا انتظام بھی آپ ہی کو کرنا ہے. دنیا کی مشکلات سے بھی آپ ہی کو بچنے کا خیال کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں تک آپ کو ہی پہنچنا ہے، اپنے آپ کو پہنچانا، اپنی اولاد کو پہنچانا ہے، تو آخرت کی مشکلات کو بھی آپ ہی کو اس سے بچنے کا انتظام کرنا ہے، اور آخرت کی نعمتوں کو جن کا نام جنت ہے وہاں تک پہنچنے کا آپ ہی کو انتظام کرنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی.
बस इतना से कहना चाहता हूं कि दुनिया की छोटी सी जिंदगी है, खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, मुश्किल हो तो भी खत्म हो जाएगी, राहतों के साथ हो तो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रह जाने वाली जिंदगी है। तो खुदा के लिए खुद सोचिए कि जो छोटी सी जिंदगी है उसके लिए कितना वक्त दे रहे हैं, और जो बड़ी जिंदगी है उसके लिए कितना वक्त दे रहे हैं। यह हमारा आलमिया है कि बस खास तारीखों पर मोमिनीन किराम समझते हैं कि हमारे आने की जरूरत है। मैं कल किसी आलिम की तकरीर सुन रहा था, हौज़े इल्मिया कुम की, उन्होंने एक जुमला कहा था, मैं आप मुझे बहुत वो बात दिल को लगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगरचे मैं बदरा जल्दी कह रहा हूं, सिर्फ आज आने वाले अभी और आते ही रहेंगे, जो मुहर्रम में आते हैं फिर अरबईन के दिन आते हैं, मुहर्रम में जितने आते हैं अरबईन के दिन नहीं आते, अरबईन के दिन जितने आते हैं आज 28 सफर को नहीं आए हैं। दोहरी मुसीबत का दिन है आज, रसूलुल्लाह की वफात और फर्जंद रसूल की शहादत का दिन, पैगंबर की वफात की बड़ी मुसीबत का तस्करा मौला अली ने लफ्जों में किया था कि आज सिलसिले वही कता हो गया है। लेकिन हमने कुछ दिन मखसूस कर लिए हैं आने के लिए और उसी पे अपने को मुतमईन कर लेते हैं। मेरे अजीजों, सलीके जिंदगी हमारा यह है, जो बात उस आलिम की उन आपकी खिदमत में मुंतकिल करना चाहता हूं, अगरचे मैं सोच के नहीं आया था वो, लेकिन अब बात आ गई है तो अर्ज कर दूं कि इंसान जब किसी नतीजे तक पहुंचना चाहता है, हमारी आपकी जिंदगी में सरोकार किन चीजों से है, या हमारी जिंदगी में सरोकार दूसरे इंसानों से है, या हमारी आपकी जिंदगी में सरोकार हम कोई काम करते हैं या किसी चीज से हमारा साबिका पड़ता है, तो हर चीज, हर काम, हर फैसला, हर कदम उसका एक असली नतीजा होता है, असली मकसद होता है। उस असली मकसद के अलावा उसके और भी असरात और नतायज होते हैं। मिसाल के तौर पर यह लाइट यहां पे लगी हुई है, हमारे फानूस कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं जनाब, सैंडल है, एयर लगा दिया उसमें, खैर चलिए हम तो डर गए थे, इसकी शक्ल भी कुछ जनानी सी होती है। ये जो फानूस है इसमें रोशनी लगी हुई है, यहां क्यों लगाया गया, इसका असली मकसद लगाने का क्या है, रोशनी है लेकिन इसके अलावा ये डेकोरेशन और खूबसूरती के काम भी आ रहा है, तो और भी सोचा जाए तो इसमें और भी मुमकिन है और रुख निकल आए, लेकिन हर चीज का एक असली मकसद होता है। और कामयाब इंसान वो होता है, अगर यहां मान लीजिए रंगाई होने लगे और इसकी इसके ऊपर ये जो लाइट और ट्यूब लगे हैं, जो खूबसूरती भी है और उसके साथ साथ रोशनी भी है, तो अगर इस पे पेंट गिर जाए तो इसे हम साफ करेंगे कि नहीं, इसलिए कि जो इसका असली काम है वो रुक रहा है। तो कामयाब वो होता है जो हर चीज के असली मकसद को पहचाने, उसको हासिल करने की कोशिश करे, और उस असली मकसद के हासिल होने में जो रुकावटें हों उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, एक फैसला हमको यह करना चाहिए कि इस मजलिस अज़ा का, इस मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तस्किरों का, कुरान मजीद की तिलावत का, महफिल का, मजलिस का असली मकसद क्या है। तो कुरान और अहले बैत पैगंबर क्या कह के छोड़ गए थे, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमसकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, तुम्हारे दरमियान दो बराबर की कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक है कुरान और एक मेरी इतरत और अहले बैत, जब तक तुम इन दोनों से अपने को वाबस्ता रखोगे गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब क्या हुआ, कुरान का असली मकसद है, अल्लाह की बारगाह से आया है हिदायत के लिए, कहबिरा हुदल लिन्नास, और अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से क्यों भेजे गए, हिदायत के लिए।
अब इसके बाद इनके वजूद की हजारों बरकतें हैं, इनके तस्करे में सवाब मिलेगा, इनकी मोहब्बत से जन्नत मिलेगी, इनकी बारगाह में हाजिरी से रोजी में मसलन वुसअत मिलेगी, दिली मुरादें पूरी होंगी। लेकिन जो असली अल्लाह ने इन्हें भेजा है, इनके वजूद मुकद्दस का असल मकसद है उनसे हिदायत हासिल करना। जब तक के हम उस पर निगाह नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम उन जिमनी फायदों तक अपने को पहुंचाने की फिक्र में लगे रहेंगे, और नतीजा यह होगा कि जिसके लिए इन्होंने भेजा गया था, जिसके लिए इन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की थी, वहां तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आप दुनिया की जिंदगी और आराम को जरूर हासिल करें, मगर यह ख्याल रखें कि आखिरत की जिंदगी इससे बड़ी जिंदगी है। अगर हमने आखिरत की जिंदगी के लिए वक्त नहीं निकाला तो दुनिया की कामयाब जिंदगी चाहे मिल भी जाए, जिसके मिलने के इम्कान भी कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, मगर आखिरत की हमेशा वाली जिंदगी कामयाबी से दो चार नहीं हो सकती है। लिहाजा खुदा के लिए ना निकालिए उतना वक्त, यहां की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, वहां की कोशिशें नाकाम नहीं होती। यहां कोशिश करके एक मिलता है, वहां कम से कम दस मिलते हैं। ठीक है, जितना दुनिया पे वक्त लगना है उतना आखिरत पे नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो बैलेंस बरकरार रहे, कुछ तो रिश्ता बरकरार रहे। ये खास तारीखों में अपने आप को सोच के महदूद कर लेना कि बस इस तारीख में हमें जाना है, उसके बाद न फर्श अज़ा से रिश्ता रह जाता है, न मुसल्ले से माज़ल्ला रिश्ता रह जाए, तो ये कोई अच्छा तरीकेकार नहीं है। इसकी तरफ मासूमीन ने न बुलाया है, न अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस तरफ दावत की है। मैं आपसे माजरत खा हूं, मैंने तल कलामी की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज आए हैं और फिर नहीं आए, अब मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा नहीं आएंगे, कहना चाहता हूं कि बहुत वक्त आपको नहीं देना है, लेकिन अगर आप जिस चीज के लिए कीमत पहचान लें उसका वक्त आप निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। घर के सामान की खरीदारी की जरूरत महसूस करते हैं तो बाजार जाने का वक्त निकालना पड़ता है, बच्चे के स्कूल के में उसके सिलसिले में उसके टीचर से बात करने की जरूरत महसूस करते हैं तो उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, दोस्तों के रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बाकी रखने की जरूरत महसूस करते हैं तो उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। तो जितनी अहमियत जिस काम की होगी आदमी उसके लिए उतना वक्त निकालेगा। अब ये खुद फैसला कर लीजिए, क्या मजलिस अज़ा, क्या फर्श अज़ा पे आना, क्या मुसल्ले पे आना, क्या मरकज में आना। दुनिया के जितने हमारे काम है सबसे कम जरूरत की चीज है कि जब सबसे वक्त बचेगा तो यह करेंगे, और अगर ये कुछ बहुत से कामों से बेहतर है तो पहले इसके लिए वक्त निकलना चाहिए, चाहे दूसरी जिंदगी की जरूरतों के लिए वक्त कम करना पड़े, जहमत उठाना पड़े, मगर ये पहले नंबर पे हमारी जिंदगी में होना चाहिए। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने थोड़ा गुफ्तगू को शुरू से तल्ख कर दिया है, उसके लिए माजरत खा हूं, और फिर अपने मौजू पे वापस आता हूं। ईमान से इत्तेबा तक आये कुरानी कह रही है, कुल या अय्युहन नास, ए पैगंबर आप कहिए है सारे इंसानों, तुम्हें क्या करना है, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तो आया हूं, खुद से नहीं आया हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, सबके लिए भेजा गया हूं, कोई ऐसा नहीं इसके लिए मैं नहीं भेजा गया, मैं किसी एक फिरके का, किसी एक रंग का, किसी एक नस्ल का, किसी एक इलाके के लिए रसूल नहीं हूं। मैं पैगंबर की रिसालत आलमी रिसालत है। दो तरह की महदूदियतें होती हैं, एक महदूदियत जगह की होती है और एक महदूदियत जो लिमिट्स आदमी की बनती है, या टाइम से या स्पेस से, दो चीजें महदूद करती हैं। हम जिस इलाके में हैं उसी में महदूद, इस वक्त हम मरकज में बैठे हैं तो घर पे नहीं है, घर पे होते तो मरकज में ना होते, मरकज में जो आदमी मेंबर के नजदीक बैठा है वो जो मेंबर के पीछे है वहां नहीं, जो पीछे बैठा है वो यहां नहीं, तो आदमी के वजूद को या स्पेस महदूद करता है, जगह महदूद करती है, मकान महदूद करता है। अरबी में मकान घर को नहीं कहते हैं, अरबी में मकान स्पेस को कहते हैं, घर को बैत कहते हैं, ये याद रखिएगा। मैं रोज जहां ऐसे कोई लफ्ज आ जाते हैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि अरबी के अल्फाज उर्दू में आके अपना चोला बहुत बदलते हैं। अभी हमारी बदनीयती होगी कि स्पेस को मकान कहते हैं और ये अपने घर को मकान कहने लगा, यानी इसकी नीयत ये है कि पूरी कायनात पे मैं कब्जा करूंगा, तभी तो मकान कहने लगे।
और बैत इसलिए अरबी में कहते हैं कि रात में जहां आदमी राहत की जगह अपने लिए बनाता, रात में रहने की जगह, इसलिए उसे बैत कहते हैं। खैर, तो पैगंबर की, सरवरे कायनात की रिसालत, उससे पहले जितने नबी और रसूल गुजरे हैं, दो महदूदियतें, दो हदें लेके आए थे, एक जमाने के लिए, एक खास जमीन के हिस्से के लिए। इससे आगे जितने नबी और रसूल गुजरे हैं, लेकिन आखिरी पैगंबर की जब रिसालत का ऐलान हुआ है, तो ये दोनों हदें नहीं है, न जमाने की हद है उनके यहां और न जगह की हद है। दोनों जगह अल्लाह के तवमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, किसी खास इलाके के नहीं, बनी इसराइल, बनी इस्माइल, अरब, अजम, कहीं एक खास जगह के नहीं, जहां जहां तक रुबूबियत है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां जहां तक अल्लाह रब है और जहां जहां है वहां अल्लाह ही रब है। तो इसकी हदें कुछ नहीं, जहां कुछ है वहां अल्लाह रब है, तो वहां पैगंबर की रिसालत है, वो भी रहमत की शक्ल में है। इधर भी हदें नहीं, और दूसरी तरफ जगह की हदें नहीं, और दूसरी तरफ जमाने की हदें भी नहीं। सूरह जुमा आप पढ़ते हैं, उसमें तिलावत होती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीनिन वआखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। अल्लाह ने बेपढ़े लिखे अरबों के दरमियान, उन्हीं में से, बाहर से नहीं, उन्हीं में से जिसने किसी के आगे जानू अदब तय नहीं किया, अल्लाह की बारगाह से पढ़ के आया था, जब कोई इंसान किसी इंसान के सामने बैठकर पढ़ेगा तो वो शागिर्द होगा, ये किसी का शागिर्द नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह से पढ़ के आया। पैगंबर को भेजा अल्लाह ने, जिम्मेदारियां बता दी, तो किसके दरमियान आया? उम्मीयून के दरमियान, मक्के वालों के दरमियान, लेकिन सिर्फ उनके लिए नहीं आया, खुली गुमराही में थे। उसके बाद अगला जुमला क्या है? वह इनकानों में इनकबलो लफी दलाल मुबीन वह आखरीना मिनहुम, खाली इन लोगों के लिए जो उसके जमाने में उनके लिए नहीं आया है, वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बेहिम, उन सबके लिए यह पैगाम खुदा, तालीम, तरबियत और तिलावत की जिम्मेदारियां लेके आया है, जो अभी आए नहीं है, आएंगे, इनसे मिले नहीं, अभी पैदा नहीं हुए, उनके लिए भी आया है। तो न नस्लों की कैद है, न जगह की कैद है, न जमाने की कैद है, कोई किसी तरह की हद रिसालत की सिलसिले में नहीं है। उस रिसालत के लामहदूद जो रिसालत है, उसके सिलसिले में अल्लाह दो जिम्मेदारियां देता, आमिनू बिल्लाह व रसूल ही, उस पर ईमान लाओ, वत्तबेऊ हो, और उसका इत्तबा करो। ईमान लाना एक मंजिल है और इत्तबा करना दूसरी मंजिल है। अजीजान मोहतरम, मैंने कल गुफ्तगू शुरू की थी, एक जरा से वजाहत की थी कि ईमान और से लेके इत्तबा तक की मंजिल क्या है। दरमियान में मोहब्बत, मारिफत, जिक्र, खुशी में खुशी, गम में गम, इताअत, ये सारी मंजिलें आती हैं। और मैंने दो जुमलों में इस वक्त दोहरा दूं कि मैंने अर्ज किया था कि ईमान दिल के अंदर से शुरू होता है, इताअत फिर आम जाहिर में वजूद में आ जाती है, जब हाथ पैरों से जो दिल कह रहा है, जो दिल मान रहा है, उसके मुताबिक हाथ चले, उसके मुताबिक जबान काम करे, उसके मुताबिक आंखें काम करे। मगर इताअत और इत्तबा में फर्क यह है कि इताअत में इंतजार होता है कि जो कहा जाए वो करें, इत्तबा में भी इंतजार नहीं होता कि जब कहा जाए तो हम करें, निगाहें लगी रहती हैं, जो करते जाए वो हम करते जाए। इताअत इत्तबा में फर्क है, इस मंजिल तक हमें लाना चाहते हैं। आज चुके हमारे दूसरे इमाम हजरत हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख की मुनासिबत से ताबूत भी उठेगा। कल मैंने पैगंबर गिरामी की रहलत का तस्करा किया था और उनकी जात से जात गिरामी से मुतल्लिक तस्करे किए थे। आज गुफ्तगू को जितना वक्त बच गया है मेरे पास, उसको अपने उस हादी और उस राहबर की जात से मखसूस करना चाहता हूं कि जिसने हिदायत की जिम्मेदारियां अदा करने में तमाम अइम्मा के दरमियान उन मखसूस तरीन हालात का सामना किया है कि जिसमें सारे अइम्मा की निगाह डालें, किसी इमाम पर बजाहिर ये कहीं देखे नहीं मिलता कि चाहने वालों की तरफ से उन्हें अजियत पहुंची हो, मानने वालों की तरफ से अजियत पहुंची हो,
मौला अली को भी जो अजियत पहुंच रही है वो उनको इमाम मानने वालों से नहीं पहुंची है। कूफे में जो उनकी हुक्मदूली कर रहे हैं, मौला मिंबर पर बैठ के फरियाद करते थे कि जब तुमसे कहता हूं चलो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तो सर्दी का बहाना कर देते हो कि अभी सर्दी बहुत है, फिर जब गर्मी आती है तो गर्मी का बहुत बहाना कर देते हो। लेकिन ये किसकी फरियाद मौला अली कर रहे थे? ये फरियाद मौला उनकी कर रहे थे जो अली को अपना इमाम नहीं मानते थे, हाकिम मानते थे, और इमाम की बात हाकिम अपने हाक बात नहीं सुन रहे थे। अपने चाहने वालों और अपने अपने आप से मोहब्बत करने वालों को अली मिंबर से याद कर रहे थे। सैयद सज्जाद को जो तकलीफें पहुंची हैं वो दुश्मनों के हाथों से पहुंची हैं, बाकी अइम्मा को जो तकलीफें पहुंची हैं वो भी दुश्मनों के हाथों से पहुंची हैं, लेकिन इस इमामत की तारीख में दूसरे इमाम की वो मजलूम शख्सियत है कि जिन्हें तकलीफ सिर्फ दुश्मन से नहीं पहुंची, दुश्मन तो तकलीफ पहुंचाने के दर पे था ही, मिंबरों से उनके बाबा को सब्बुत शत्म किया जा रहा है, बुरा भला कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं, चाहने वालों को मारा जा रहा है, हर तरह से सताया जा रहा है, वो तो है ही, लेकिन सूरत हाल यहां तक पहुंची है कि इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले, आप तारीखी रवायात को उठा के देखिए, जो मुखलिस इनके सहाबी हैं, हुजर इब्ने अदी, अदी इब्ने हातम और इस तरह के मुतअद्दिद अफराद, इनके जुमले तारीख में नकल हुए हैं। सोचिए किन हालात में दीन की हिफाजत के लिए जो फैसले इमाम हसन को लिए लेना पड़े, अमीर शाम माविया से सुलो करने का फैसला, इस सुलो के फैसले के बाद दुश्मन तो सता ही रहा था, दोस्तों ने भी तानाजनी की है। आप सोचिए जो इमाम वक्त हो उससे कोई चाहने वाला अगर आके माजल्ला कहे अस्सलामु अलैक या मुदिल्लल मोमिनीन, माजल्ला मोमिनीन को जलील करने वाले, ये कह के सलाम करे अगर करने वाले, तो कितनी ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है। इस तकलीफ दे सूरत हाल से इमाम दो चार हुए हैं, मगर उनकी सीरत और उनकी जिंदगी का पैगाम हमें क्या दे रहा है? यह तकलीफ दे सूरत हाल जो कल थी आज भी कभी कभी हमारे दरमियान पैदा हो जाती, आज भी जहनों में उलझन या खुद पैदा हो जाती है, या बाहर से जैसे उस वक्त अमीर शाम की तरफ से साजिशें थी वैसी साजिशें रची जाती हैं और सवालात उठने लगते हैं, और कभी कभी कोई पूछ बैठता है या कम से कम सोचता है कि आखिर इमाम हसन ने ऐसे जालिम से सुलो क्यों कर ली, और इस सवाल को इस अंदाज में मुसलसल पेश किया जाता है। मैं अपने नौजवानों के लिए उसे दोहराना चाहता हूं, आज नेट की दुनिया है, ये सवाल मुसलसल पेश किया जाता है कि हसन ने सुलो की थी, हुसैन जंग के लिए उठ खड़े हुए, पैगंबर खुदा ने तो फरमाया था कि ये दोनों के दोनों इमाम हैं, तो फिर जब दोनों इमाम हैं तो इनके अमल में इख्तिलाफ क्यों है कि एक सुलो करता है और एक जंग करता है? एक सवाल हमेशा किया गया है और हर सवाल का हमारे बुजुर्गों और उलमा ने हमेशा जवाब दिया है। कभी कभी हमारे नौजवान जब पहली बार उनके सामने सवाल आता है तो थोड़ा घबरा के आते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि ढूंढने की थोड़ी सी जरूरत है, कोई दहाई ऐसी नहीं गुजरी बल्कि कोई साल ऐसा नहीं गुजरा है जब इन उठने वाले एतराजात के जवाबात हमारी तरफ से हमेशा तहरीरी शक्ल में, किताबों की शक्ल में न दिए गए हों। लाखों जिल्दें हैं किताबों की जो ऐसे सवालात के जवाबात में सदियों में हमारे इमाम ने, हमारे उलमा ने लिखी, उनमें से एक सवाल यह है कि इमाम हसन ने सुलो क्यों की और इमाम हुसैन ने जंग क्यों की, जब दोनों इमाम थे, इनके दरमियान कुल्लुना मोहम्मद कहते हो तुम सब मोहम्मद हैं, तो इनके अमल में तजाद और टकराव और इख्तलाफ क्यों दिखाई दे रहा, कंट्राडिक्शन क्यों दिखाई दे रहा? एक सुलो कर रहा है उसके साथ बड़ा लश्कर है, और एक जंग कर रहा है जिसके पास लश्कर नहीं है, छोटा से काफिला है, तो जब इस छोटे से काफिले के साथ हुसैन लड़ सकते हैं तो उसके मुकाबले में इमाम हसन के पास तो बहरहाल लश्कर है, चाहे जैसा हो जितना हो जैसा हो, तो इमाम ने जंग, हुसैन ने जंग क्यों कर ली और इमाम हसन ने सुलो क्यों कर ली? मैं अपने नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्गों के लिए इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सवालात उठते रहते हैं, इसलिए मैं वाजिब समझता हूं कि जब इस शख्सियत का तस्करा आया है तो ये बात आपके सामने रख दूं। मेरे अजीजों आपके जहन के भी यहां से तवज्जो दें, मैंने थोड़ा इब्तिदा में ऐसी गुफ्तगू की है कि आपके जहनों पर तकान आई है और चेहरों से तकान जाहिर हो रही है, और मानवी और रूहानी तकान दूर करने का नुस्खा आपको मालूम है।
हमारी परेशानी यह है कि जब दोनों इमाम है, दोनों अपने वक्त के मोहम्मद है, तो एक ने सुलह क्यों की, एक ने जंग क्यों की। मैं आपकी परेशानी थोड़ी देर के लिए बढ़ाना चाहता हूं, मिटाने के लिए, परेशानी मिटाने के लिए थोड़ी देर परेशानी बढ़ाना चाहता हूं। यहां हमें यह लग रहा है कि एक इमाम का फैसला है सुलह और एक इमाम का फैसला है जंग, बिल्कुल अपोजिट साइड में दोनों खड़े हैं, एक जंग की तरफ खड़ा है और एक सुलह की तरफ खड़ा है। मैं दो नमूने आपके सामने रखना चाहता हूं, तारीख और तफसीर और रिवायात के सहारे, कि जिसमें एक नमूना इसका कि यहां तो एक इमाम का फैसला दूसरे इमाम के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन एक नमूना इसका कि अल्लाह का फैसला कुछ और रसूलुल्लाह का फैसला कुछ और। कुरान मजीद में अल्लाह ने वादा लिया है, सोचना तो दूर की बात, अमल करना तो दूर की बात, जबान से गुफ्तगु तक के लिए अल्लाह ने कहा है कि पैगंबर कुछ अपनी तरफ से कहते ही नहीं है, जो भी कहते हैं इल्ला वाहयुन यूहा, अमल का भी गारंटी ली है, वमा रमैता इज रमैता वलाकिनल्लाह, ये जो आपने कंकरियां मारी हैं दुश्मनों पर फेंकी है, यह आप नहीं अल्लाह ने किया है काम। तो फिर अल्लाह और रसूल के फैसलों में कोई इख्तिलाफ हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी नमूना आपकी खिदमत पेश करता हूं ऐसा तारीख से जिस तारीख से हम आप सब वाकिफ हैं, और आप अभी परेशान हैं कि अल्लाह और रसूल के फैसलों में इख्तलाफ। और आगे बढ़िए तो खुद जाहिरी निगाहों से देखा जाए तो अल्लाह के दो फैसलों में टकराव दिखाई देगा। मैं अब नमूने पहले पेश करूं, थोड़ी देर आपकी उलझन बरकरार रहेगी। आपसे सवाल करना चाहता हूं कि सूरह तौबा, सूरह बरात की जो शुरू की आयतें हैं, जब वो नाजिल हुई हैं तो उस वक्त क्या हुआ था? सूरह तौबा की जब आयतें नाजिल हुई उसमें ऐलान किया गया था कि इन्होंने मुसलसल मुआहदे तोड़े हैं कुफार ने, इनसे हमने मुसलसल सुलह की और उन्होंने मुसलसल मुआहदे तोड़े, अग्रीमेंट्स तोड़े हैं, अब इनसे कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा, अब इनसे खुल के जंग की जाएगी। वो कयामत तक का ऐलान नहीं है, वो उस वक्त के वो कुफार जो मुसलसल मुआहदा शिकनी कर रहे थे, दुश्मनान इस्लाम इन आयात को पेश करते हैं कि ये जो जंगजू कौम है, वो उस वक्त का हुक्म है सिर्फ कि मक्के और उसको कुर्बजवार के कुफार से जो पैगंबर इस्लाम मुआहदे कर रहे थे सुलह को, उसको वो मुसलसल उसको तोड़ रहे थे, तो आखिर हुआ कि अब बहुत हम बर्दाश्त कर चुके, अब इनसे खुल के जंग होगी। और उसी में फैसला भी था कि अब आइंदा इसके बाद यह आखिरी हज है जिसमें सब शामिल है, इसके बाद मस्जिदुल हराम में कोई काफिर दाखिल नहीं होगा। जब ये आयतें आई, हज का मौका है, उसे हज अकबर कहा जाता है। वो हज अकबर इसलिए कहलाता था कि उस वक्त काफिर और मुसलमान सब उस हज में शामिल थे, उसका जुमे के दिन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो एक ही हज अकबर था, यौमुल हज अकबर है उसमें कुरान मजीद में, इसलिए कि उसमें सब शामिल थे। आयतें आई, पैगंबर को किसी को भेजना है, एक बुजुर्ग ने अपने आप को पेश कर दिया कि यह आयतें मैं लेके जाऊंगा, पैगंबर ने उनके हवाले कर दी। इधर वो बुजुर्ग लेके चले, अभी मदीने से बाहर भी नहीं गए, वो मस्जिद शजरा जो कहलाती है वहां तक पहुंचे कि एक मर्तबा उधर अल्लाह की तरफ से वही आई कि इन आयतों को जो सूरह बरात की शुरू की आयतें हैं, अल्लाह बरी उसका रसूल बली, मुश्किन से रोक कोई अहद बाकी नहीं, और ये मस्जिदुल हराम में अब दाखिल नहीं होंगे, आइंदा इनको दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी वगैरह वगैरह, सख्त तरीन ऐलान है। पैगंबर पर जिब्रील आए कि अल्लाह कह रहा है या तुम जाओ, और रजुल मिनका वाकया आपको पूरा याद है इस बार, या आप जाइए या ऐसा जाए जो आपसे हो, जो गया है उसके जाने के बाद भी कहा जा रहा है ऐसा जाए जो आपसे हो, इसका मतलब जो गया है वो इस मर्तबे पे नहीं पहुंचा है। मैंने आपकी खिदमत में जिमनी मजालिस में घरों की अर्ज किया था कि दो मर्तबे होते हैं, एक उधर से आवाज आती मिन्ना और एक आवाज आती लैसा मिन्ना, हमसे नहीं, हमसे है हमसे नहीं। तो यहां कहा जा रहा वो जाए जो आपसे हो, हो भी कौन, रजुलन मर्द हो, मर्द हो आपसे हो। अब दो शर्तें लगाई हैं, कोई तो पूरी नहीं होगी,
तभी तो वापस बुलाना पड़ रहा। खैर पैगंबर ने मौला अली को हुक्म दिया जाओ लेके आओ, जाओ तुम आयते पहुंचाओ। वो गए उधर, वो तफसीलात मुझे आपकी खिदमत में पेश करने की जरूरत नहीं है, गुफ्तगू की क्या हुआ है। मौला अली ने कहा पैगंबर ने हुक्म दिया है कुछ, क्या गुजर गई। वापस आए बुजुर्ग, पैगंबर से आके पूछा कि क्या हुआ, तो उधर पैगंबर ने बताया कि ऐसा ऐसा हुक्म आया है। अब एक जुमला फिर कहने का जी चाहता है, मेरे अजीजों मौला अली जब इन आयतों को लेके गए और हज अकबर के दिन सबसे बड़े मजमे में आयतें उस भरे मजमे में सुनाई, तो क्या ऐलान किया उसमें, क्या आप काफिर मस्जिद में नहीं आएगा। अल्लाह काफिर से बड़ी है, रसूल काफिर से बड़ी है। कोई एक तो उठता उस बड़े मजमे से कि क्या कहने आए हो, जरा अपने बाप का तो ख्याल करो। ये पूरे मजमे का सुकूत किस चीज की गवाही दे रहा है। मौला को हुक्म हुआ जाओ पैगंबर का जरिए, पैगंबर को हुआ अल्लाह के जरिए भेजो रजुलुम इनका, अपने में से किसी को भेजो। वापस बुलाया गया। अब बताइए यहां इख्तलाफ है कि नहीं, पैगंबर किसी को भेज रहे हैं और अल्लाह किसी को उनको बुला रहा है। अगर बुलाया ही जाना था अल्लाह को तो पैगंबर ने भेजा क्यों, अगर क्या पैगंबर को मालूम नहीं है भेजा क्यों, और अगर पैगंबर ने भेज दिया था तो अल्लाह ने वापस बुलाया क्यों। अजीजों सुनिए, एक चीज होती है मकसद, जो अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि मकसद क्या है। इस मजलिस में आने का मकसद अगर सवाब है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर अपनी जिंदगी में बरकत है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर सोशल गैदरिंग है, इस मजलिस में आने का मकसद अगर जिन बानिया मजलिस से अपने ताल्लुकात हैं, तो हम वही पाएंगे। लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद के वजूद का असली मकसद है हिदायत, लिहाजा उनकी उनसे वाबस्ता हर काम के अंजाम देने में पहली नियत होना चाहिए कि बराए हिदायत ये काम कर रहे हैं हम, यह मजलिस हिदायत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये नजर हिदायत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये जियारत हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये बोसा हिदायत हासिल करने के लिए, ये अलम को चूम रहे ताकि उनसे हिदायत मिले। जब इस असली मकसद को पाने के लिए चलेंगे तो पीछे पीछे बरकत भी आएगी, पीछे पीछे रहमत भी आएगी, पीछे पीछे सवाब भी आएगा। तो बड़े फायदे से अपने को महरूम करें तो एक होता है मकसद, मकसद आदमी का एक होता है, उस मकसद के हासिल करने के जरिए मुतअद्दिद हो सकते हैं। आपका मकसद है मजलिस में आना, अब उसका जरिया क्या हो सकता है, आप अपनी गाड़ी से आए एक जरिया, खुद ड्राइविंग करके आए एक जरिया, आप न चलाए आपके घर का कोई फर्द कोई दोस्त आपकी गाड़ी चलाए दूसरा जरिया, आप अपनी गाड़ी से ना आए किसी और से कहें वो आपको लेके आ जाए तीसरा जरिया। तो जरिए तो बहुत से है ना, काम एक होना है मजलिस में पहुंचना है, खुद गाड़ी चलाए अपनी गाड़ी से आए दूसरे की गाड़ी से आए, अपनी बीवी से गाड़ी चलवा के लाए, अपने बेटे से गाड़ी चलवा के लाए, बेटी से चलवा के लाए, जरिए अलग अलग हैं, लेकिन सबका नतीजा क्या निकलेगा, मजलिस में आएंगे। तो मकसद एक होता है और जरिए कभी अलग अलग होते हैं, एक ही काम को मुख्तलिफ जरियों से किया जा सकता है, यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए। अल्लाह ने पैगंबर ने भेजा, अल्लाह ने बुलाया, अमल में तजाद है, कंट्राडिक्शन है कि नहीं, होना नहीं चाहिए। ये क्या वाकया इख्तलाफ है, आइए जरा देखें पैगंबर की जिम्मेदारी क्या है। अभी मैंने आयत पढ़ी सूरह जुमा की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने अपने नबी को नबी पैगंबर बना के भेजा, उम्मीन पढ़े पढ़े लिखे अरबों के दरमियान, कितनी जिम्मेदारियां देके भेजा, तीन, क्या क्या है, यतलु अलैहिम आयाते तिलावत आयात एक, वह युज़क्कीहिम तस्किया तहारत नफ्स तरबियत दो, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा तालीम तीन,
बेसते पैगंबर के जो मुख्तलिफ मकासिद कुरान मजीद में अलग अलग जगहों पर बयान हुए हैं, अदालत का क्याम भी है, अल्लाह की बंदगी की राह दिखाना भी है, सब समेट के हिदायत है एक लफ्ज में। लेकिन जब वो हिदायत फैलती है तो मुख्तलिफ उसके मंजर सामने आते हैं। तो इस आये करीमा में बेसते पैगंबर के, तवज्जो दीजिएगा थोड़ी देर, तीन मकसद बताए गए हैं, पैगंबर की तीन जिम्मेदारियां, तिलावत एक, तरबियत दो, तालीम तीन। तिलावत का मतलब क्या होता है? तिलावत कहते हैं किसी मुकद्दस इबारत को पढ़ना। अरबी में दो लफ्ज है, एक है किरात और एक है तिलावत। किरात किसी भी चीज के पढ़ने को किरात कहते हैं, लेकिन जब कोई मुकद्दस चीज पढ़ी जाए, आयत, वही, दुआ, तो उसको पढ़ना तिलावत कहते हैं। लेकिन तिलावत में सिर्फ जबान से पढ़ना काफी होता है। आप हम सब कहते हैं तिलावत कुरान कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं बगैर समझे पढ़ना तिलावत कहलाता है कि नहीं? अच्छा, जब आप खुद ही नहीं समझते हैं तो आप किसी और को समझाएंगे? तो तिलावत का मतलब होता है खाली जबान से अल्फाज को दोहराना। न समझना जरूरी है तिलावत में, ना समझाना जरूरी है। लेकिन तालीम में क्या होता है? तालीम की मंजिल है समझाना। तरबियत में क्या होता है? तालीम हम आप कहते हैं पढ़ाना, समझाना, लेकिन तरबियत क्या होती है? सिखाना। तालीम है पढ़ाना, जो है ये हमने उसको दिमाग में इसका मफहूम, इसका मतलब डाल दिया, ये है तालीम पढ़ाना। लेकिन क्या तरबियत भी यही है? तरबियत के इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ट्रेनिंग। ड्राइविंग में क्या होता है? पहले आप कानून पढ़ते हैं और आपको गाड़ी के बारे में, ये स्टीयरिंग है, इसको घुमाने, इस पहिया, अब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल इतना आदमी सीखता ही है बचपन में, सही सीखता है, ये ब्रेक है और ये, अब तो खैर गियर की गाड़ी रहनी गई, हमारे यहां भी गियर वाली होती है, इसलिए हमारे यहां सबसे अहम मसला वही होता है कि एक्सीलेटर की जगह क्लच दब गया और क्लच की जगह एक्सीलेटर और ब्रेक दब गए, सब हुआ करता है। तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ाना और एक होता है सिखाना। पढ़ने में खाली बस जबान से अल्फाज को दोहरा देना, कोई समझे चाहे ना समझे। पढ़ाने में समझना समझाना पड़ेगा, पढ़ाने का मतलब आपने समझा दिया, और सिखाने का मतलब उसको इतनी मर्तबा उसे करवाया वो काम कि वो भी करने लगा। तो पैगंबर की है तीन जिम्मेदारियां, तिलावत पढ़ना, तालीम पढ़ाना, तरबियत सिखाना। अब एक सवाल मेरा आपसे और है, इन तीनों जिम्मेदारियों और कामों में सबसे आसान क्या है? पढ़ना सबसे आसान है, पढ़ाना उससे मुश्किल, और सिखाना यानी सबसे आसान तिलावत, उसके बाद उससे मुश्किल तालीम, उससे मुश्किल तरबियत और तज़किया। शायद आपको थका दिया मैंने बहुत, ना पहुंच गए होते रिसालत की तीन जमात। चलिए सलावात भेज लिए, रिसालत की तीन जिम्मेदारियां, सबसे आसान कौन सी? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तिलावत, बरात की आयतें लेके जो भी जाए उसे वहां क्या करना था? तालीम का काम नहीं था, तज़किया और तरबियत की जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ सुनाना था, बस पढ़ के सुनाना था। तो जो रिसालत की सबसे हल्की जिम्मेदारी थी वो हवाले की गई। अगर शुरू ही से अली को भेज देता, चले मालिक अली इस काम के लायक है, उन्हीं को शुरू से भेज दे, तो क्या अली के कमाल का पता चलता? लेकिन यह ना पता चलता कि दूसरा इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। अल्लाह बताना यह चाहता था कि जब अली, जब हयात पैगंबर में रिसालत की सबसे हल्की जिम्मेदारी तिलावत की जिम्मेदारी अली के अलावा कोई और अंजाम नहीं दे सकता, तो बाद वफात पैगंबर इन जिम्मेदारियों को अली के अलावा कौन अंजाम दे सकेगा? अगर शुरू से सिर मौला भेज दिए जाते, न कोई जाता न कोई वापस आता,
تو اہلیت تو معلوم ہو جاتی، لیکن مستقبل میں جو دعوے داریاں ہونی تھیں وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں، یہ بات، یہ پیغام اللہ کی طرف سے نہ پہنچ پاتا، اس کو کلیئر کرنا تھا۔ لہذا لگتا یہ ہے کہ اللہ کچھ کر رہا ہے اور نبی کچھ کر رہے ہیں، مقصد ایک تھا، ذریعہ الگ الگ تھا۔ مقصد دونوں کا تھا، یہ اہل ہے اور یہ اہل نہیں ہے، ذریعہ الگ الگ بنایا گیا، ایک نے بھیجا ایک نے بلایا، ذریعے الگ الگ رہے، مقصد ایک رہا۔ تو پتا یہ چلا کہ جب مقصد ایک ہو اور ذریعہ الگ الگ ہو تو یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ مقصد تھا اہلیت اور نااہلیت کا بتانا، اللہ نے واپس بلا کے بتایا، پیغمبر نے بھیج کے بتایا۔ میرے عزیزو، ائمہ طاہرین کا مقصد کیا ہے؟ دین کو بچانا، دین کی حفاظت کرنا۔ اب یہ ہے مقصد، اس کے لیے ذریعے الگ الگ ہوں گے۔ جب تلوار کھینچ کے دین کی حفاظت ہوگی تو تلوار کھینچی جائے گی، اور جب قلم سے سلو کر کے دین کی حفاظت ہوگی تو سلو کر کے یہ کام انجام دیا جائے گا۔ مقصد ایک ہے، ذریعہ الگ الگ ہے۔ میرا مقصد ہرگز کسی کے دل کے دکھانے کے لیے تذکرے نہیں کرنا ہے، میرا مقصد صرف اپنے جوانوں کی ذہنی الجھن کو، جو یک طرفہ باتیں پیش کرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، ان کا علاج کرنا ہے۔ جو سچ جس چیز کو سمجھے وہ اس کو مانے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں عقلی بنیادوں پر، علمی بنیادوں پر، اور اس میں قرآن مجید کی آیات اور ان واقعات کا سہارا لے رہا ہوں جس سے پوری عالم اسلام میں کوئی انکار نہیں کر سکا۔ اس واقعے سے سورہ بات کے نزول میں جہاں جی چاہے گا جا کے پڑھ لیجئے، یہ تفصیل آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ تو مگر میں نے کہا تھا کہ ایک آپ کی پریشانی ہے کہ امام اور امام کے فیصلوں میں اختلاف ہے، یہاں اللہ اور رسول کے معاملات الگ الگ ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا میں الجھن تھوڑی بڑھا کے رکھوں گا، اب ایک نمونہ اور باقی رہ گیا، اور اس سے زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ کا فیصلہ ایک جگہ کچھ دکھائی دیتا ہے، ایک جگہ کچھ۔ بات تو ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی، لیکن نمونے دماغ میں پڑے رہے تو حرج کیا ہے۔ دو بڑے پیغمبر گزرے ہیں اولو العزم، جن کا سابقہ دشمنوں کے ذریعے آگ سے ہوا ہے۔ کون کون ہے بتائیے؟ جناب ابراہیم تو سبھی بتا دیں گے، دوسرا نام بتائیے۔ ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ نوجوان شاید متوجہ نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ یہ جناب موسیٰ کی زندگی کا حصہ کم ان کے سامنے آیا ہو۔ جناب ابراہیم کا واقعہ تو ہم سب کو آپ کو معلوم ہے، کتنی بڑی آگ جلائی تھی نمرود نے، اتنی بڑی کہ پرندے جس اونچائی پہ بھی اڑتے ہیں، اب تو ہوائی جہاز جوڑتا ہے اس کی اونچائی معلوم ہے، تو پرندوں کی کت کس اونچائی پہ اڑتے ہیں بتائی ہے ہم کو، آپ کو جن اونچائیوں پر پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ اگر وہاں اس حصے پہ اوپر آسمان میں جہاں سے جو پرندہ اونچائی پہ اڑ رہا ہو وہ اڑ جائے تو جل کے گر جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کتنے سو میٹر یا اس سے اوپر، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی، اب کوشش کروں گا کہ یہ بھی دیکھ لوں کہ سب سے اونچا پرندہ کتنی اونچائی پہ اڑتا ہے۔ آپ بھی کوئی دیکھ کے مجھے بتا دے گا تو اچھا ہوگا۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے اونچائی پہ کون سا پرندہ، کون سی چڑیا، کون سا برڈ سب سے اونچائی پہ اڑتا ہے، روایت میں کوئی قید نہیں ہے کتنی اونچائی پہ، جو بھی پرندہ اس اونچائی پہ اڑتا تھا وہ جل جاتا تھا۔ ایک آگ اتنی بڑی جلا لی کہ اس کے نزدیک، جب آسمان میں اتنے اوپر تک ہے تو سائیڈ میں بھی تو ہوگی، جنگلوں میں آگ لگتی ہے آپ نے دیکھا کتنی دور سے تپش آنے، ایک گھر میں آگ لگ جائے، ایک گھر میں ایک گیس کا چولہا جلتا ہے تو وہ بھی تھوڑی دور سے حرارت اس کی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اتنی آگ جلالی جلانے کے لیے کہ اب ڈالا کیسے جائے، تو ترکیب کیا نکالی؟ جو ہماری آج کی آپ کی توپ ہے، اس وقت وہ منجنیق غلیل دیکھی ہے کسی نے؟ پتہ نہیں اب باقی بھی رہ گئی کہ نہیں، ربر کی وہ بنا کے، تو اسی ٹائپ کی ایک چیز جس میں رکھ کے دور سے پھینکا جائے، تو جناب ابراہیم اس منجنیق میں رکھ کے، گویا توپ میں رکھ کے پھینکے گئے تھے آگ میں، اس لیے کہ قریب جائیں گے تو پہنچانے والے ہی جل جائیں گے، اس میں پھینکے گئے تھے۔ اتنی بڑی آگ میں جا کے جناب ابراہیم جلے؟ بولیے، نہیں جلے نا۔ اور جناب موسیٰ کی زندگی کا واقعہ کیا ہے؟ اب وہ پوری زندگی مجھے نہیں دہرانا،
جناب موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون کو ساحروں نے، جادوگروں نے، خدا کی خدائی چلانے والوں نے، جن کا خدا محتاج ہے، اتنا بڑا خدا ہے کہ اسے خود علم نہیں کمبخت کو، مگر ایسی قوم کا خدا ہے جو یہ نہیں سوچتا کہ علم تو ہم اسے دیتے ہیں اور خدا یہ ہمارے اوپر کرتا ہے. بتایا کہ نجومیوں نے بتایا، جوڑ گانٹھ والوں نے. خیال رکھیے کہ یہ نجومیوں کی بات جہاں بھی آتی ہے اسی سائٹ پہ اپوزٹ پہ ہی آتی ہے ہمیشہ. میں مولا کائنات کے ارشادات پڑھ رہا تھا، میں مربوط تو نہیں مگر اس بات کو کہتے ہوئے جملہ یاد آ گیا، میں اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، بہنوں سب سے کہنا چاہتا ہوں، اعتراض کی ایک وجہ صلح حسن پر یہ بھی ہے کہ ہم سب کو لڑائی اچھی لگتی، ہمیں سلو اچھی نہیں لگتی، فطرت میں یہ ہے. سڑک پر لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں، کبھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں آپ؟ کہاں رہے ہاتھ ملا رہے ہیں دو لوگ، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کبھی؟ نہیں. اور کہیں دو آدمی مار پیٹ کرنے لگے، پیر بریک پہ چلے جائیں گے، سڑک پہ جام لگنے لگے گا، تو ہمیں لڑائی اچھی لگتی، اس لیے بھی الجھن ہوتی ہے. بس امام حسن حسین لڑے. جوش ملی آبادی کے لوگ بہت عقیدت مند ہیں، لیکن وہ خان صاحب تھے، پٹھان تھے، انہیں بھی خالی لڑائی پسند تھی، وہ امامت کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے حسن مجتبیٰ کی سلو کی تعریف کبھی نہیں کی، علی اور حسین کی خالی جنگ کی تعریف کی ہے. غور کر لیجئے گا جا کے، کچھ لوگوں کو برا تو لگے گا. تو ہمیں لڑائی پسند ہے، ہمیں سلو پسند نہیں ہے. جہاں لڑائی ہے، اچھائی ہے کہ برائی؟ برائی ہے بھائی، کہہ تو لیجئے، نہ مانیے. کہ گھر کی رونق کسی لڑائی سے ہوتی ہے، سناٹا گھر میں چھا جائے گا، ہمارے لیے تو اچھا ہے، ورنہ قبرستان گھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرے عزیزوں، جب کوئی لڑائی ہوتی جو ایک بری چیز ہے، تو ہم رک کے دیکھنے ہی لگتے کیا ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. مولا علی کو یہ نہیں پسند. روایت کہتی ہے، اسی نہج البلاغہ کا خطبہ، مجھے دماغ میں تو نہیں رہ گیا وہ حوالہ، لیکن ہے نہج البلاغہ میں، کہ کوئی مجرم پکڑ کے لایا گیا تھا کوفے میں، کوئی جرم کیا ہوگا اس نے، جو غلطی کی ہوگی. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، پولیس جب کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو ایک بھیڑ اس کے ساتھ چلتی ہے. مجھے پاکستان کا حال معلوم نہیں رہ گیا، اس لیے اریسٹ ہونے کے والے کے ساتھ بھیڑ چلائیں گے، کب معلوم کہاں سے گولیاں چلنے لگیں. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے، کوئی پکڑا گیا، کچھ ہوا، تو 150 لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے، تو کوئی مجرم مولا کی خدمت میں گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے ساتھ ایک بھیڑ آ گئی. مجھے مولا کے الفاظ بھی بہنی یاد نہیں رہ گئے، اب دوبارہ روایت ڈھونڈ کے الفاظ بھی لکھ لوں گا، لیکن اس کا پیغام یہ تھا کہ مولا اس بھیڑ سے ناراض ہوئے اور اس لہجے میں خطاب کیا کہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ کمبختو، ہمیشہ برائی کے موقع پہ دکھائی دیتے ہو، کبھی اچھائی پہ جمع نہیں دکھائی دیتے. بہت بڑا پیغام ہے اس میں عزیزوں، کہ کبھی اچھائی پہ بھی ایک ساتھ دکھائی دیا کرو، ایسی بھیڑ کسی اچھے کام پہ بھی لگ جایا کرے. ہمیشہ تمہاری بھیڑ جو لگتی ہے، وہ ہمیشہ کسی برائی کے موقع پہ لگتی ہے. تو یہ ایک اس قوم سے نہیں، یہ خطاب ہے کہ برائی ہو تو نگاہیں جھکا کے ہٹو، تاکہ برائی بڑھے نہیں، پھیلے نہیں، تمہارے دماغوں میں اس برائی کا خیال بھی نہ آئے. لیکن کہیں اچھائی دکھائی دے تو سمٹو، تاکہ وہ اچھائی تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے، شاید تمہارے اندر بھی کچھ خوبی پیدا ہو جائے، کچھ خوشبو آ جائے اس کی. برائی کے پاس کھڑے ہوگے تو بدبو آئے گی اس کی، اگر آئے گی. مولا نے اسی لیے جملہ فرمایا ہے کہ برائی نہیں انل منکر اس لیے ضروری ہے کہ جہاں کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، جب وہاں سے کوئی ہوا گزرتی ہے تو اس کی بدبو لے کے جاتی ہے، اور جہاں خوشبو والے پھول ہوتے ہیں تو وہاں سے ہوا گزرتی ہے تو خوشبو لے کے آتی ہے. تو نیکیوں کے ڈھیر لگاؤ تاکہ ماحول میں خوشبو رہے، معاشرے کو معطر کرتی رہے نیکیوں سے. برائیوں کو صاف کرو تاکہ ماحول میں بدبو نہ آنے پائے، اور کرداروں کو بدبودار نہ بنانے پائے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام. جناب وقت ختم ہو گیا میرے عزیزوں، میں آج بھی تھوڑا کراس کروں گا اپنی حدوں سے، جو مصیبت کا وقت ہے، مصیبت کے دن ہے. مجھے میں شرمندہ ہوں اپنے امام سے کہ میں ان کی سیرت اور ان کے ارشادات سے کوئی جملہ نہیں پیش کر سکا. اگر اللہ آپ کو انشاءاللہ آج اس فرش ادا پہ آنے کی توفیق دے، کہ کل بھی مجالس ہیں اسی سلسلے سے ہیں، تشریف لائیے گا. کل انشاءاللہ اس معصوم کے ارشادات اور سیرت کے کچھ تذکرے میں ضرور کروں گا. میں مقروض ہوں آج نہیں کر سکا، صرف ایک مسئلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ذرا پھیل گئی. تو جناب موسیٰ اللہ کے بڑے پیغمبروں میں پیشن گوئی ہوئی کہ یہ آئے گا بنی اسرائیل میں تو تمہاری فرعون، تمہاری خدائی ختم ہو جائے گی، فرعون تمہاری خدائی ختم ہو جائے گی. اس نے پہرے بٹھائے، 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مارے گئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو.
70,000 बच्चे, दीन की कीमत पहचानी है, एक नबी की जान की कीमत पहचानी है, और फिर उसके बाद इस दीन की कीमत पहचानी है जिस दीन के लिए ऐसी लाखों जानें कुर्बान हुई, तो उसकी कदर होगी। मगर अल्लाह ने जनाब मूसा की विलादत का इंतजाम किया, बतने मादन और परवरिश बांटते रहे, निगरानी करने वाली दाइयों को पता नहीं चला विलादत हुई, किसी को खबर नहीं हुई, हुक्म हुआ कश्ती छोटी से एक बास्केट बनाओ, दरिया में डालो, पानी में डाल दिया, अल्लाह ने वादा किया तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास वापस आएगा, वो फिरौन आसिया के साथ दरिया के किनारे बैठा था, उस बच्चे को उठा लिया, मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने दिलों में, उसको पाल लिया उन लोगों ने, वो पूरा वाक्य आपके सामने है यहां तक की तारीख का। अब उसी में एक हिस्सा यह है कि जनाब मूसा जब थोड़ा से बड़े हुए और गोद में साल डेढ़ साल दो साल मुझे नहीं पता क्या उम्र है, फिरौन की गोद में थे, तो जनाब मूसा ने उसकी दाढ़ी को पकड़ा और भरपूर तमाचा रसीद किया, अरबी से तमाचा जो हमारे आते आते चमाटा हो गया, तमाचा रसीद किया ऐसा कि उसका सिर फिर गया, मुंह टेढ़ा हो गया, इतने कमसिन बच्चे थे, इतना भरपूर हाथ खा के चौंका कि ये वही बच्चा तो नहीं है, इतना भरपूर हाथ, ये वही बच्चा तो नहीं है, कत्ल करने पे तैयार हुआ। जनाब आसिया ने फौरन कहा कि नहीं, टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं ये नॉर्मल बच्चा है, आम बच्चा है या कोई खास बच्चा है, वो यही चौका है, काफिर है लेकिन फिर भी जानता है कि जो अल्लाह की तरफ से आने वाला है वो आम लोगों जैसा नहीं होता, उसको भी इतनी बात मालूम है। जनाब आसिया ने कहा चेक कर लें, कैसे चेक किया, मेयार किस चीज को बनाया, टेस्ट का मेयार इल्म को बनाया, क्या तय हुआ, कहा एक याकूत, जनाब याकूत की भी इंग्लिश बता दी जो कनाडा में बोली जाती हो, डायमंड तो सफेद होता है, जो हल्का गुलाबी वाला होता है रूबी, अच्छी रूबी, एक रूबी बड़ी से रूबी का पीस और एक दहकता हुआ अंगारा का, दोनों सामने रखो, ये कमसिन बच्चा है, रूबी कितनी अच्छी क्वालिटी की हो, याकूत कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अंगारे जैसी चमक तो उसमें नहीं होगी। तो कहा अगर ये मामूली बच्चा होगा तो देखते हुए अंगारे को उठाने की कोशिश करेगा, हमारे बच्चे नहीं, शमा जलती उसको पकड़ रहे हैं, बल्ब जल्ला उसको पकड़ रहे हैं, हीटिंग घर में सुर्ख रोशनी उस पर दौड़ पड़े तो जो चमकदार ज्यादा चीज होगी उस पर बच्चा दौड़ेगा, तो अगर ये मामूली बच्चा होगा तो अंगारे को उठाएगा, पहचानेगा नहीं, और अगर ये गैर मामूली बच्चा होगा तो ये अंगारे को नहीं उठाएगा। जनाब मूसा के सामने दोनों चीजें रखी गई, जनाब मूसा ने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाया, उधर से अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, हाथ हटाओ इनका, हाथ हटा के अंगारे पे रखो, रिवायात तफसीर में आयात में जो यद बैजा कहलाता है नूरानी हाथ, उसका आगाज यहीं से बताया जाता है रिवायात में कि अंगारे पे हाथ रखा, हाथ जला तो मुंह में रख लिया अंगारा, जैसे आम बच्चा करता है। एक उलझन यह भी होती कि ये नबी थे तो आम बच्चों वाली हरकत कैसे की, वो उलझन भी अभी दूर हो जाएगी यहीं पे। याकूत की तरफ बढ़ा हुआ हाथ हटाया, किसके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, किसने, जिब्रील ने। हटाने का फायदा क्या हुआ, याकूत उठा लेते पहचाने जाते, पहचाने जाते तो क्या होता, शहीद हो जाते, नहीं पहचाने गए तो बच गए, हक क्या था, सोते रहे हैं आज, हक क्या था कि मूसा याकूत उठाए कि अंगारा, इनको इल्म है ये उठाना चाहिए, इसको छुपाया गया कि नहीं, जान बचाने के लिए हक छुपाया गया कि नहीं छुपाया गया, जान बचाने के लिए हक छुपाने को क्या कहते हैं, तकिया, ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किससे करवाया जा रहा है, अल्लाह करवा रहा है, जिब्रील जरिया बन रहे हैं, मूसा से करवाया जा रहा है। नहीं, बहुत देर के बाद आपने सलवात भेजी है, हाथ उठा के उधर रख दिया, हाथ जला, दैने मुबारक में रखा तो जबान चली, मालिक,
इतनी बड़ी आग में इब्राहिम को डाल के तो तूने बचा लिया एक, या नारो कूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम कहके, इतने छोटे अंगारे से जला दिया। टकराव है नहीं अल्लाह के फैसलों, इतनी बड़ी आग में बचा लिया, इतनी छोटी आग से जला दिया। मगर वही बात, जलाने जहां आग से जलाया उसका नतीजा क्या निकला? अभी मैंने अर्ज किया मूसा को आग से जलाया तो नतीजा क्या निकला? जान बची। यहां जान का बचाना जलाने पे मौकूफ था, वहां इब्राहिम का जान का बचाना आग से बचाने पे मौकूफ था। तो मकसद तो एक ही था, जरिया अलग अलग अपनाया। तो पता चला जब मकसद हासिल करना हो तो अल्लाह भी कभी एक जरिया अपना लेता है, कभी एक जरिया अपना लेता है। हसन और हुसैन दोनों का मकसद एक है, दीन का बचाना। वो सुलह के जरिए बचा रहे हैं, ये जंग जिहाद के जरिए बचा रहे हैं। वक्त खत्म हो गया। मैं उस मजलूम इमाम की मजलूम जिंदगी का अमली पैगाम, जिससे आज के इस पुराशोर दौर में हम फायदा उठा सकते हैं, वो पेश करने से महरूम हूं। मैं अपने को मकरूज मानता हूं अपने इमाम का, और अल्लाह ने तौफीक दी और कल तक जिंदगी दी और तौफीक बरकरार हुई तो कल इंशाल्लाह उनकी सीरत का एक पहलू और उनके कुछ इरशादात अपने नौजवानों की खिदमत में रखना चाहूंगा। और आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा मेरे अजीजों, कुछ छोड़ के भी आना पड़े तो आओ, इसलिए कि जो छोड़ोगे वो इससे कमी होगा, जो पाओगे वो कमी होगा। बस मैं बात को आज यहीं पे खत्म करता हूं। जिसने ऐसी मजलूम जिंदगी गुजारी, चाहने वालों के तंज़ो तशनी, बाप पर मिंबरों से लानतें, बदतरीन हालात ये हैं कि वो माहौल मलून अमीर शाम ने पैदा कर दिया है। वो वाकयात आपके सामने है, अब उनको दोहराने का वक्त नहीं है कि शाम से आने वाला फर्जंद रसूल को देख के बुरा भला कहना शुरू कर देता है। दोस्त दुश्मन हर तरफ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। और उस मजलूम जिंदगी की मजलूमियत की इंतहा यह है कि शहादत का सबब भी कोई बाहर का दुश्मन बराह रास्त नहीं हुआ, बाहर के दुश्मन ने अमीर शाम ने जहर दिलवाया है, लेकिन दिलवाया किसके हाथों से है? उसके हाथों से जो घर के अंदर है, जो शरीक हयात कहलाती जादा बिनते अशस। रवायात कहती हैं कि अमीर शाम ने एक बार नहीं जहर दिया है, मौला को बार बार जहर दिया है, और आखिरी बार उस जालिम ने उसके पास जो जहर थे वो जब आजमा लिए और मौला जिंदा रहे तो उसने रोम यानी आज का यूरोप, वहां के बादशाह को ये लिखा था कि मुझे ऐसा जहर चाहिए जो फौरन काम करे। उसने उसमें जवाब दिया कि हम किसी ऐसे के साथ ये बर्ताव नहीं करते जिसकी हमसे जंग ना हो। इतना इंसाफ बाकी था उस वक्त। फिर इस मलून ने इधर से जवाब दिया कि ये उसी का बेटा है जो तुम्हारी हुकूमत पे कब्जा करना चाहता था, पैगंबर की तरफ इशारा किया, और ये तुम्हारे मुल्क पे कब्जा करना चाहता, मैं इसे जहर देके तुम्हारी जान उससे बचाना चाहता हूं। कल भी दुश्मनों को मुतवज्जे करने के लिए मुनाफिक थे, आज भी एक बड़ा किरदार यही मुनाफिक अदा कर रहे हैं, सहारा बन रहे हैं। जो गले कट रहे हैं उसमें गला काटने के लिए कोई हाथ यूरोप से नहीं जाता है, हाथ वहीं के निकाले जाते हैं। निफाक का किरदार अगर आप मिला लें, इमाम को जहर दिया गया, आखिरी जहर जो दिया गया उसकी सूरत हाल ये थी कि जो पानी में जहर मिलाया गया था शब में वो नोश फरमाया और चंद लम्हों के बाद खून की कह हुई, तश्त ला के रखा गया, उसमें कह की बहन आ गई। भाई की बेचैनी देख के बहन आ गई, भाई की बेचैनी की खबर से देख के भाई जमा हो गए। रोशनी जब तश्त पर डाली गई तो तश्त में खून के साथ जिगर के टुकड़े तैर रहे थे। इन लफ्जों का कह देना आसान है, उस अजियत और उस तकलीफ को समझना दुश्वार है जब जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाए। वसीयतें शुरू कर दी, अलग अलग वसीयतें की हैं। रवायत यह भी कहती है कि जब इमाम को खून की कह हुई है तो जाहिर है उस हुजरे में, उस घर में सारे भाई नहीं रहते हैं। इमाम ने अपने खादिम से कहा कि देखो घर कमरे, घर के बाहर निकलो, देखो आले मोहम्मद के खानदान के अलावा कोई बाहर वाला है। इमाम ये नहीं चाहते कि उनकी इस अजियत की खबर सीधे उनके भाइयों तक पहुंचे। गुलाम ने कहा कोई नहीं है, कहा जाओ फिर मेरे भाई मोहम्मद को बुला लाओ। जनाब मोहम्मद हनफिया को सबसे पहले बुलवाया,
نہیں چاہتے کہ میرے بھیا حسین پر سیدھے یہ خبر پہنچے، کچھ سنبھالنے والے آ جائیں، شاید امام جمع کر رہے ہیں کہ سنبھالنے والے آ جائیں تب میرا بھیا آئے، میرا جی چاہتا ہے کہوں میرے آقا آپ کی فکر مندی اپنی جگہ پہ، مگر کربلا کے میدان میں جب حسین اپنے چھوٹے بھیا کی لاش پہ جا رہے تھے، آپ کا جانشین بھی اس وقت شہید ہو چکا تھا، اجرکم اللہ، بھائی جمع ہو گئے، بہنیں جمع ہو گئیں، تشت میں خون ہے، خون میں کلیجی کی ٹکڑے ہیں، وصیتیں شروع کر دیں، انہی وصیتوں میں اس کمسن قاسم سے بھی کہا کہ بیٹا، چھوٹے سے قاسم ہیں ان کو بھی وصیت کی، بیٹا میرا بھیا کربلا کے میدان میں جب اکیلا ہوگا میں نہیں ہوں گا، تمہیں اس وقت میری جانشینی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، بھائی کی بے چینی کو دیکھ کے سید الشہداء سے عجیب جملہ کہا بڑے بھائی نے، بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا دونوں بھائیوں میں، ہم آپ جانتے ہیں سب بھائیوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، لیکن جو تلے اوپر کے بھائی ہوتے ہیں وہ بھائی کے ساتھ ساتھ دوست بن کے بھی رہتے ہیں، ان دونوں بھائیوں میں ایک سال سے کم مدت کا فاصلہ ہے، 3 شعبان سن 4 ہجری کو حسین پیدا ہوئے ہیں اور 15 شعبان سن 3 ہجری کو امام حسن، 1 سال بھی سے بھی کم کا فاصلہ ہے، بھائی بھائی کا دوست ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والے، بڑا بھائی دم توڑ رہا ہے اور کلیجے کے ٹکڑے تسم دکھائی دے رہے ہیں، بھائی کی بے چینی دیکھ کے امام حسن نے کہا لا یوما، سخت مصیبت ہے میرے اوپر، مگر میرے بھیا لا یوما کا یوم کا، یا حسین جو دن تمہارے اوپر آنے والا ہے عاشور کا دن، ایسی مصیبت تو کہیں اور نہیں ہے بھیا، اس دن تمہارا یہ کلمات ہے امام کے روایات میں، بھیا اس دن تمہارا سر تنہائی میں پیاس کے عالم میں کاٹا جائے گا، بھیا بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، بھیا تمہارے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر کے دیار دیار پھرایا جائے گا، بھیا تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گود کے پالوں کی لاشیں اٹھانا پڑے گی جو مصیبت تمہارے اوپر آنے والی ہے، اس مصیبت کو یاد کر کے متوجہ ہو کے امام بے چین ہے، وہ وصیتیں کر لی، رات کی تاریکی میں وصیت کرتے کرتے آخری وصیت کی، میرے بھیا بڑا بھائی کنبے سے جا رہا ہے، بہت سے بھائی ہیں ماشاء اللہ ان کے، ان میں سے ایک کافی ہے، مسلم ابن عقیل کافی ہیں سب کے لیے، محمد حنفیہ کافی ہے سب کے لیے، عباس کافی ہے سب کے لیے، حسین کافی ہے سب کے لیے، مگر وصیت کی بھیا مجھے نانا کے پہلو میں لے جا کے دفن کرنا، لیکن اگر ذرا سے بھی رکاوٹ کھڑی ہو تو ایک قطرہ خون نہ بہے، مجھے لے جا کے جنت البقیع میں دفن کر دینا، روایت یہ بھی کہتی ہے کہ کہا تھا بھیا چاہے جہاں دفن کرنا پڑے مگر ایک کام کرنا، مجھے نانا کی قبر تک پہنچا دینا تاکہ میں اپنے نانا سے تجدید عہد کر لوں، پھر مجھے اماں کی قبر تک لے جانا تاکہ میں اپنی اماں سے ایک مرتبہ اور مل لوں، اس کے بعد جو حالات ہو اس پہ عمل کرنا، پہلی وصیت یہ ہے نانا کے پاس ہی دفن کرنا، جنازے کو تابوت میں لے کے چلے، سارے جوان بھائی کاندھا دیے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سامنے سے ظالم جمع ہو گئے ہم نہ دفن ہونے دیں گے، تیر کمانوں میں لگ گئے، ادھر جوانوں کے ہاتھ شمشیر پہ جا رہے ہیں، ادھر حسین نے ہاتھ رکھا کبھی ابو الفضل کے کاندھے پر، کبھی محمد حنفیہ، جانے والا بڑا بھائی کہہ گیا خون نہیں بہے گا، سر جھکا لو، جنازہ موڑ لو، مگر ظالموں کا ظلم شروع ہو چکا، تیروں کی بارش ہوئی، تابوت توڑ کے جس میں نازنین حسن میں تیر پیوست ہو گئے، ہائے جب حسین کا جسم پامال ہو رہا تھا تو اس وقت اکیلی بہن تڑپ رہی تھی، کوئی بچانے والا نہ تھا، یہاں تو اس سے زیادہ دردناک منظر ہے، اتنے بھائی ہیں مگر صبر کا حکم دے کے گیا ہے بڑا بھائی، تیر جنازے میں پیوس ہوئے، کندھوں پہ جنازہ لے کے جنت البقیع تک آئے، تیر کھینچے، جنازے کو نکالا، میں کہوں گا مولا ارے یہاں تو اتنے بھائی مدد کے لیے بھی موجود ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ تیر کھینچ رہے ہیں، ارے تیار ہو جائیے، کربلا کے میدان میں 1-6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچنا ہے، 1 جوان لال کے سینے سے برچھی کی انی کھینچنا، اور کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، بھائی کے جنازے کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا، رسول اللہ کی طرف مڑے، اے میرے نانا آپ کی امانت آپ کے حوالے، ارے ہم شرمندہ ہیں، ہم سب موجود تھے، ہمارے بھائی کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا،
आज ऐसा लगता है जैसे नाना तुम दुनिया से उठे, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा तुम दुनिया से गए, ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा तुम आज रुखसत हो गई। हसन मुशतबा शहीद जहर दवा, ताबूत उठाओ आओ मातम करो कांधा दो, आज सिर्फ चाहने वाले हैं, कोई तीरों का बरसाने वाला नहीं। بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا وا حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا وا حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا وا حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا رسول دو سرا وا حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وا حسن سبز کبا، بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا وا حسن سبز کبا. Hi.